पातर पिंडी का रूप होचे उधर जाओ हो उन्हें टिक टिक ही जाओ पहुंचे बहुत मुश्किल से खाओ भी माता की मेन पिंडी जी है दुर्गा देवी मंदिर तुगड्डा पौड़ी गढ़वाल लगभग 12 फीट लंबी गुफा के अंदर माता की अखंड ज्योति जलती रहती है। गढ़वाल की संस्कृति का सभी दर्शक होते हैं सेवा सोनी सेवा ने पहला को नमस्कार प्रणाम। आज कोरद्वार और दुगड्डा का बीच में दुर्गा देवी का दर्शन कर ला। खोहा नदी के किनारे दुर्गा देवी प्राचीन सिद्धपीठ है। स्कंद पुराण के अनुसार खोहा नदी का पौराणिक नाम कौमुदी नदी है। कोटद्वार तुगड्डा मोटर मार्ग बनने से पहले माता की पूजा गुफा के अंदर होती थी जहां पर माता पिंडी के रूप में विराजमान है। मोटर मार्ग निर्माण के समय अनेक बाधाएं आ रही थीं, तो ठेकेदार ने यहां पर माता का भव्य मंदिर बनवाया और उसके बाद मोटर मार्ग बनाने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई। पूजा का सामान मंदिर के नीचे खोहा नदी बह रही है। इस गुफा के अंदर माता पिंडी के रूप में विराजमान है। माता पिंडी का रूप हो चुके टेक टेक जाओ पहुंचे बहुत मुश्किल से खाओ भी माता की मेन पिंडी जी है और अखंड जो पानी तक पहुंचे सब खंड सब दर्शन हो गए नहीं घर जाऊँ सब बहुत मुश्किल से सूर्य बड़े शाम तक बहुत भी भीड़ लगे रहे एक एक करी सब मंदिर निर्माण कर रहे थे धोना जी मेन मंदिर जे ये हनुमान जी की मूर्ति जे और ये शिवलिंग। दुर्गा माता मंदिर प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थित है। मंदिर के सामने बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और नीचे खोह नदी कल कल छल छल करके बहती रहती है। दुर्गा माता मंदिर आप कोटद्वार से आ सकते हैं। कोटद्वार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 230 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां आप रेल मार्ग और सड़क मार्ग से आ सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा से आना चाहते हैं तो जौली ग्रांट हवाई अड्डा सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। मंदिर के बारे में एक रोचक तथ्य है कि जब कोटद्वार दुगड्डा के बीच सड़क मार्ग बन रहा था तो इसमें अनेक बाधाएँ आ रही थी, तो ठेकेदार ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया और उसके बाद सारी बाधाएं समाप्त हो गई। माता का प्राचीन मंदिर नदी के किनारे है और उससे पहले माता का ये नया भव्य मंदिर है। यहाँ पर माता की मूर्ति स्थापित की गई है लेकिन यहाँ के पुजारी पहले माता की पिंडी के दर्शन करने के लिए कहते हैं और उसके बाद माता की मूर्ति के दर्शन होते हैं। जो भक्त सच्चे मन से यहाँ पर माता दुर्गा देवी के दर्शन करते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। दुर्गा देवी मंदिर में वैसे तो रोज ही भक्तों का आना जाना लगा रहता है लेकिन वीकेंड में यहाँ पर भक्तों की बहुत भीड़ लगी रहती है और भक्त दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। माता का दर्शन होगी नमते वहाँ पर जाना था आपकी मनोकामना दुर्गा माता परिपूर्ण करें ये शुभकामना जी। जब भी आप कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पर गुजरें तो माता दुर्गा देवी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें।